Good morning students, welcome to Bhivani Public School. This is Neetu Yadav and today in this video we are going to continue with the topic from the chapter of class 11th chemistry. The name of the chapter is thermodynamics. Some basic definitions we have discussed in our previous video. अगर आपने वो video नहीं देखी है तो जाकर के ज़रूर देखिएगा. हमने वहाँ पर discuss किया था कुछ processes को, कुछ types of you know adiabatic, isothermal, isobaric, isochoric, कुछ process को discuss किया था and two types of functions we discussed in that video. I would like to recall that कि हमारे पास कुछ functions होते हैं. Functions are of two types. Simply हमने बात की थी path functions and state function. The function, the property that depends on initial and final position, that is said to be state function, because वहाँ depend नहीं करता कि जो process हुआ है वो किस mechanism से हुआ है, किस path के through हुआ है, depend नहीं करता. सिर्फ क्या matter करता है, initial and final state matter करती है, तो हम उसको state function कहेंगे. And if the process depends on the path, तो हम उसको क्या कहेंगे, path function. यहाँ हम discuss करेंगे, start करेंगे अपने एक topic से, that is heat. आई थिंक सबने सुना हुआ वर्ड है, कुछ नया नहीं है बहुत ज़्यादा. हीट की मैं अगर बात करूँ तो हमने किया था सिस्टम एंड सराउंडिंग. द एरिया इन विच यू आर डूइंग योर वर्क दैट इज सेट टू बी सिस्टम, सिस्टम ऑफ स्टडी. एंड द एरिया रेस्ट ऑफ द सिस्टम, जितना भी कुछ बच जाता है वो आपका किस में काउंट होता है, सराउंडिंग में काउंट होता है. तो हमने बात की थी कि यहाँ पर हमारे पास एक होती है एंथैल्पी या एनर्जी हम बात कर सकते हैं, या हीट हम उसको बोल सकते हैं. दूसरी चीज़ थी हमारे पास मैटर. देर कैन बी एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. अगर एनर्जी चेंज हो सकती है, मैटर नहीं होता, तो हम उसको क्लोज सिस्टम कहते थे. ठीक है, अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल T1 और अंदर का टेम्परेचर कम है फॉर एग्जाम्पल T2, तो हीट फ्लो कहाँ से कहाँ होगी, सराउंडिंग टू सिस्टम. यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर वेरिएशन. अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट अंदर जाएगी एनर्जी, और अगर अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर आएगी. दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज सेड टू बी हीट. आप डिनोट करोगे सिंपली इसको एच से. एसआई यूनिट की बात करूँ तो हम बात करेंगे जूल की. अगर एक और चीज़ होती है एसआई सिस्टम में बात करें तो हम सिंपली इसको जूल कह सकते हैं. अगर सीजीएस सिस्टम में बात करें तो आप इसको कैलोरी भी कह सकते हो. आप सबको पता है जूल और कैलोरी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है. डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल में वैल्यू किस यूनिट्स के साथ गिवन है. तो आई होप हीट से इंट्रोडक्शन आपका हो गया. हीट इज़ अ स्टेट फंक्शन, सिंपली बात करेंगे. क्यों? क्योंकि जैसे हीट फ्लो होती है तो इनिशियल टेम्परेचर क्या था, फाइनल टेम्परेचर क्या है, आप सिंपली अमाउंट ऑफ एनर्जी का डिफरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हुई है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और आपको निकालना है एंथैल्पी चेंज, दैट मीन्स हीट चेंज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. तो आप सिंपली क्या करोगे, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, और ये आपके पास क्या निकल कर आएगा, चेंज इन हीट और चेंज इन एंथैल्पी. तो हमें मैटर नहीं कर रहा कि रिएक्शन जब हुई है तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कैसे बना, डजंट मैटर. हमें सिर्फ इतना करना है कि प्रोडक्ट की जो हीट है उसमें से आप रिएक्टेंट की हीट को माइनस करोगे तो आपके पास चेंज इन एंथैल्पी आ गया. यानी कि क्या मैटर कर रहा है, इनिशियल एंड फाइनल, दैट्स इट. मैकेनिज्म पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए हम कहेंगे हीट इज अ स्टेट फंक्शन. क्लियर. दूसरी चीज़ रहेगी हमारे पास इंटरनल एनर्जी. वर्ड से ही समझ में आ रहा है इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर की एनर्जी, दैट मीन्स द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मैटर. कोई भी एक सब्सटेंस है उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, ट्रांजिशनल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है. इनकी बहुत सारी एनर्जी का समीशन जब एक मैटर में आप कर देते हो तो वो सिंपली क्या होगी, इंटरनल एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल एक मैटर है और इसकी इंटरनल एनर्जी हमने क्या बात कर दी, U1. अगर इस सिस्टम ने सराउंडिंग से क्यू हीट एब्जॉर्ब की है तो अब जो इंटरनल एनर्जी होगी इसकी वो क्या हो जाएगी, U1+Q. फिर अगर इस सिस्टम पे कोई वर्क डन हुआ है, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड एज अ वर्क, तो यानी कि प्लस W भी हो जाएगा. अब अगर मैं आपसे पूछूँ वॉट इज़ द टोटल फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो आप सिंपली कहोगे U1+Q+W एंड दिस इज इक्वल्स टू U2, फाइनल इंटरनल एनर्जी. थोड़ा सा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो U1 को उधर ले जाओगे, U1 माइनस में चला जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू Q+W. U2 माइनस U1 अगर मैं बात करूँ तो ΔU हम इसको लिखेंगे Q+W. तो हमारे पास यानी कि U2 माइनस U1 चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब आप निकाल रहे हो तो मैटर करेगा इनिशियल
एंड फाइनल, उन दोनों का डिफरेंस निकाला हमने, इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस आ गया। यानी कि इंटरनल एनर्जी फर्क नहीं पड़ रहा कैसे चेंज हुई। आपसे अगर पूछा जा रहा है व्हाट इज़ अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आप सिंपली क्या करोगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड दिस इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एंड वन मोर थिंग इज विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और सिंपली आई कैन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो आप एनर्जी बना सकते हो और ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया है, मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी है, तो मैंने क्या किया, बहुत सारे टेबल्स को इधर उधर डिस्प्लेस कर दिया, नाउ आई एम फीलिंग टायर्ड, तो मेरी एनर्जी कहाँ गई, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती तो मेरी एनर्जी कहाँ गई, तो मेरी जो एनर्जी है वो उस टेबल में एज अ वर्क स्टोर हो गई है, दैट मीन्स मेरी जो मस्कुलर एनर्जी थी वो वहाँ एज अ वर्क स्टोर हो गई, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई, बट इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड और ना ही नहीं बन सकती। आपने खाना खाया, आपके अंदर एनर्जी आ गई, कहाँ से आ गई एनर्जी, कहाँ से आई, आपने जो खाना खाया उसके बाद जब आपने सांस ली है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में गई है, देर इज़ बर्निंग ऑफ फूड इन आवर बॉडी, एंड बर्निंग होती है, कम्बशन होता है, तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी आई है। यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, बट ना तो क्रिएट होगी और ना ही डिस्ट्रॉय होगी। अगर हम बात करें, लाइट फैन सब ऑफ है हमारे रूम में, जहाँ आप बैठे हो अभी वहाँ पर आप देख रहे हो फैन चल रहा है, या एसी में अगर आप बैठे हो इनकेस, तो वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, लेकिन फैन रोटेट कर रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी है। एक एनर्जी दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो गई, लेकिन ना तो क्रिएट होगी और ना ही डिस्ट्रॉय होगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आई होप आपको समझ में आया होगा फर्स्ट लॉ का केस, एंड दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन फॉर द फर्स्ट लॉ, कि इंटरनल एनर्जी इनिशियल आपने यू वन माना, उसके बाद अगर ये सिस्टम सराउंडिंग से कोई अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है तो हम उसको क्यू कहेंगे, एंड अगर उस सिस्टम पे कोई वर्क भी हुआ है तो एनर्जी एज अ वर्क भी वहाँ स्टोर हो सकती है। फिर अगर टोटल एनर्जी की बात करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू यू टू, एंड यू टू माइनस यू वन जब आप निकालोगे, दिस इज क्यू प्लस डब्ल्यू, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप क्लियर हुआ है यहाँ तक। एक टर्म हम अभी आगे बात करेंगे, अभी अभी हमारे सामने जो एक वर्ड आया था इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी, वो क्या, दिस इज़ दी स्टेट फंक्शन, ठीक है, यू इंटरनल एनर्जी। अभी हम बात करेंगे वर्क की, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, एंड वर्क इज़ अ पाथ फंक्शन। देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको कहा था कि अगर आप किसी एक, फॉर एग्जांपल, आप कोई बोझ उठा के चल रहे हो, हैवी वेट है आपके पास, आपने ए से बी जाना है, एक तो आप स्ट्रेट चले जाओ और एक आप थोड़ा सा घूम के चले जाओ, किस पाथ के अलोंग आप ज़्यादा थकावट फील करोगे? ऑब्वियसली बात है, जब आप घूम के गए हो तो ज़्यादा थकान हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आप ज़्यादा चले हो, ठीक है, आपको ज़्यादा थकान फील होने का मतलब आपने ज़्यादा एनर्जी यूज़ की है, तो इस रास्ते से गए थे कम एनर्जी यूज़ हुई है, इस रास्ते से गए ज़्यादा एनर्जी यूज़ हुई, ज़्यादा वर्क किया है आपने। यानी कि जो वर्क है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। आई बात समझ में, ठीक है, वर्क आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक कर रहे हो, ठीक है। अगर सिर्फ इतनी बात होती कि फाइनल माइनस इनिशियल करना होता, इसका मतलब तो सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आप जब इस रास्ते से गए हो कम थकान हुई है, मतलब आपने कम काम किया है। अगर आप इस रास्ते से गए हो ज़्यादा थकान हो रही है, ज़्यादा डिस्टेंस चला ना आपने हैवी वेट के साथ, ज़्यादा थकान हो रही है, इसका मतलब आपने ज़्यादा काम किया, किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे। तो हम वर्क को क्या कहेंगे, पाथ फंक्शन कहेंगे, ठीक है। अब चलो हम कंसिडर करते हैं कुछ चीज़ों को, एक पिस्टन का एग्जाम्पल लेंगे, एक सिस्टम कंसिडर करेंगे हम, ड्राइंग हो सकता है बहुत अच्छी ना हो, आप बुक से भी डायग्राम देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक इंजेक्शन जैसा हम एक पिस्टन कंसिडर करेंगे, ठीक है, दिस इज़ द सिस्टम, ओके। अब अगर इस पिस्टन पे हम ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, इंजेक्शन सभी ने देखा हुआ है, पिस्टन को अगर आप प्रेस करते हो तो वॉल्यूम हमने माना ये V2 है, और अब जब बाद में प्रेस करने के बाद जो पिस्टन की पोजीशन होगी वो दूसरी होगी, फॉर एग्जांपल ये होगी, ठीक है, V2 एंड V1, और जो डिस्टेंस कवर किया, फॉर एग्जांपल हमने वो क्या ले लिया, DL ले लिया, ठीक है। हम सबको पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, और यहाँ से फोर्स अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया,
क्लियर। और वर्क डन की अगर बात की जाए तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हम जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं पिस्टल का वो कितना है, डी एल ले रहे हैं, ठीक है। और एफ का फॉर्मूला अगर हम यहाँ से ये पुट करते हैं इधर, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू ए इंटू डी एल। नाउ दिस इज द एरिया इंटू लेंथ। जब आप एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो सिंपली वो क्या आ जाती है, वॉल्यूम आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्रेशर इंटू डी वी, डी वी मतलब स्मॉल वॉल्यूम चेंज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़, और P क्या है, P एक्सटर्नल की बात हो रही है, एक्सटर्नल मतलब आपने पिस्टन को प्रेस किया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये P एक्सटर्नल हुआ, आगे बात समझ में, दिस इज़ अ चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V1 ये है हमारा, फाइनल वॉल्यूम V2 ये है हमारा, क्योंकि हमने पिस्टन को प्रेस किया है, क्लियर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। एक चीज और ध्यान रखेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, वेन एवर देर इज वर्क डन ऑन द सिस्टम इट विल बी पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, माइनस साइन लेकर चलेंगे क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, क्लियर। अब एक चीज और रहेगी, वो क्या, ये हमने स्मॉल वर्क डन की बात की है, डी लगा देती हूँ आगे, डी मतलब स्मॉल वर्क डन, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट भी डी एल लिया है, चेंज इन वॉल्यूम भी डी वी है, डी का मतलब यहाँ पर सिंपली स्मॉल चेंज होता है। अब अगर हमने इसको आइसोथर्मली आइडियल गैस के लिए करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस के एक्सपेंशन की अगर हम बात करेंगे, तो वर्क डेल्टा डब्ल्यू हमने अभी अभी क्या कहा, पी डेल्टा वी। अगर आइडियल गैस इक्वेशन की बात करूँ, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, तो आपने सिंपली क्या, और पी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो वो क्या आएगी, एन आर टी अपॉन वी। आपने सिंपली क्या करना है, पी की ये वैल्यू आपने इस फॉर्मूले में पुट करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एन आर टी अपॉन वी डी वी। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, डेल्टा डी डब्ल्यू है हमारे पास, हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ करेंगे, वी वन टू वी टू, अपर लिमिट लोअर लिमिट, क्योंकि वॉल्यूम चेंज वी वन से वी टू हुआ है, तो हम ये बात करेंगे। उसके बाद n इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट एंड t इज कांस्टेंट, तो माइनस एन आर टी तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 बाई वी डी वी। 1 बाई वी का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या निकल के आएगा, लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ v, और लिमिट क्या है आपके पास, v2 v1। एक डेरिवेशन यहाँ करने के बाद आप नोटबुक पे ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सिर्फ सुनने से कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, यू नीड योर बुक्स एंड यू नीड टू डू इट एट योर ओन इन योर नोटबुक एज अ प्रैक्टिस सिंपली। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें नेचुरल लॉग ऑफ वी की, अगर आपको लिमिट सोल्व करनी होती है तो मैथ्स में आपने किया हुआ है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करेंगे, तो वर्क डन जो हमारे पास निकल के आएगा वो क्या होगा, माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ वी टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वी वन। लॉग एम माइनस लॉग एन को अगर आप सोल्व करते हो तो वो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ वी टू माइनस वी टू अपॉन वी वन। अब नेचुरल लॉग है तो नेचुरल लॉग होता है लॉग टू द बेस ई, हम इसको कन्वर्ट करेंगे लॉग टू द बेस 10 में, तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, 2.303 एन आर टी, एल ओ जी वाला लॉग आ जाएगा अब यहाँ पर, लॉग ऑफ वी टू माइनस वी वन। दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज़ इन द न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं एक और बात करूं, हमने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 5 में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। यहाँ से अगर मैं बात करूं तो पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन। आप वी टू अपॉन वी वन की जगह यहाँ प्रेशर में भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ P1 अपॉन P2, यानी कि न्यूमेरिकल में हो सकता है कि आपको प्रेशर के टर्म्स में गिवन हो चीज़ें या वॉल्यूम के टर्म्स में गिवन हो चीज़ें, दोनों ही फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर करना चाह रहे थे लेकिन अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे। आई होप आपको ये तीन चीज़ें समझ में आ गई होगी, चार बेसिकली हमने डिस्कस किया है, हीट को हीट इंटरनल एनर्जी वर्क एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये चार चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। गुड बाय।